हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड यूनिट टू, लेसन नेम आई वांट ऑफ एनसीईआरटी इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। आई वांट, वांट मतलब होता है चाहना। आई वांट टू बी बिग, सेज लिटिल मंकी। एक छोटा सा बंदर होता है, मंकी कौन होता, किसे कहते हैं, बंदर को। तो ये छोटा सा बंदर है, ये कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। बिग मतलब बड़ा। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, और मैं मजबूत भी बनना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। अ वाइज वुमेन हियर्स हिम, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और वुमेन औरत को कहते हैं। हियर्स मतलब सुनना, तो एक बुद्धिमान औरत सुनती है। टेक दिस मैजिक वैंड, शी सेज। तो ये जो बुद्धिमान औरत होती है वो कहती है कि इस जादुई छड़ी को ले लो। मैजिक मतलब होता है जादुई, वैंड मतलब छड़ी। एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू, फिर वो कहती है कि ये जादुई छड़ी ले लो, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। विशेस मतलब इच्छाएं। अ जिराफ कम्स बाय, तो वहीं से उसी के पास से एक जिराफ गुजरता है। ही स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक, वो अपनी गर्दन को लंबा करता है। स्ट्रेचेज मतलब होता है लंबा करना या फिर खींचना। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, वो खाता है मीठे मीठे पत्ते। लीव्स मतलब पत्ते, जो पेड़ों पेड़ के सबसे टॉप पे लगे होते। टॉप मतलब ऊपर के हिस्से में। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी। तो जो लिटिल मंकी, वो छोटा बंदर होता है, वो कहता है कि मैं भी अपनी लंबी गर्दन चाहता हूँ। और वो क्या कहता है, पॉप, पॉप जैसी बोलता है। हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है मंकी की। जस्ट लाइक द जिराफ, किसकी तरह, जिराफ की तरह। लिटिल मंकी इज़ हैप्पी, जो छोटा बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, तभी वहाँ से एक नदी के पास से हाथी गुजर रहा होता है। एलिफेंट किसे कहते हैं, हाथी को। ही फील्स हिज ट्रंक विद वाटर, वो अपनी सूंड में क्या भर लेता है, पानी। ट्रंक मतलब होता है ट्रंक, सूंड को कहते हैं, और फील मतलब होता है भरना। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, और उसको उस पानी को वो क्या करता है, अपने चारों तरफ बॉडी पर डाल लेता है। ब्लो मतलब होता है डालना या फिर फैला लेना। आई वॉन्ट टू डू डैट टू, वो जो सेज लिटिल मंकी, सेज जो लिटिल मंकी होता है वो कहता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। और फिर वो क्या बोलता है, बैंग। जस्ट लाइक डैट ही ग्रोज अ ट्रंक, जैसी इसकी इसी की तरह, जैसे इसकी सूंड लंबी हो जाती है, बिल्कुल इसी की तरह उस मंकी की भी सूंड लंबी हो जाती है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाता है। दिस इज़ फन, तो ये मंकी क्या, ही सेज, मंकी कहता है कि ये तो कितना मज़ेदार है। नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा। अब उसके बाद क्या देखता है, जो छोटा बंदर होता है वो क्या देखता है, एक ज़ेब्रा को देखता है। आई वॉन्ट स्ट्रिप्स लाइक दोज, ही सेज। फिर जो लिटिल मंकी होता है वो उसको देख के कहता है कि मुझे इसकी तरह धारियाँ चाहिए। स्ट्रिप्स किसे कहते हैं, धारियों को, जो ज़ेब्रा की बॉडी पे धारियाँ होती है उसको स्ट्रिप्स कहा जाता है। तो लिटिल मंकी कहता है कि मुझे इसकी तरह स्ट्रिप्स भी चाहिए। फिर कहता है विज, जैसे ही वो विज करता है, लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसकी सारी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, स्ट्रिप्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक ज़ेब्रा, जैसे ज़ेब्रा की बॉडी पे होते हैं। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जो लिटिल मंकी होता है। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, फिर वो कहाँ जाता है, रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी के पास जाता है अपने सूंड का इस्तेमाल करने के लिए। He looks down, और जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है, look मतलब होता है देखना, जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है, he sees himself into water, वो खुद को देखता है पानी में। Mother, he cries, help a monster, वो चिल्लाता है मम्मी, और वो ज़ोर से रोने लगता है, बचाओ, यहाँ पे राक्षस है। मॉन्स्टर किसे कहते हैं, राक्षस को। डैट इज़ नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ पे तो कोई राक्षस नहीं है। डैट्स यू, ये तुम हो। यू वॉन्ट अ जिराफ नेक, एन एलिफेंट ट्रंक, एंड स्ट्रिप्स लाइक अ ज़ेब्रा, डोंट यू रिमेंबर। तो उसकी मदर कहती है कि तुम ही तो चाहते थे जिराफ की तरह गर्दन, हाथी की तरह सूंड, और ज़ेब्रा की तरह स्ट्रिप्स पूरी बॉडी पे, भूल गए तुम। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, तुम्हें याद नहीं है। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, जो छोटा बंदर होता है वो रोने लगता है, रोता ही रहता है। आई लुक ऑफुल, ही सेज, वो कहता है कि मैं कितना बुरा दिख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू माई सेल्फ अगेन, मैं दोबारा से अपनी तरह बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप, अ वैंग एंड अ विज, फिर वो क्या कहता करता है, पॉप, अ वैंग और विज बोलता है। लिटिल मंकी हिज हिमसेल्फ अगेन, लिटिल मंकी दोबारा से अपनी तरह बन जाता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, और वो खुशी के साथ फिर जंप करने लगता है। जंप मतलब कूदना, और जॉय मतलब खुशी।
ही थ्रोज द मैजिक वैंड इन टू द रिवर. फिर वो क्या करता है, थ्रो मतलब होता है फेंक देना. फिर वो क्या करता है, जो जादुई छड़ी होता है उसको रिवर में फेंक देता है. ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन. फिर वो चाहता है कि मैं अब किसी और की तरह, फिर वो किसी और की तरह बनना बिल्कुल नहीं चाहता है, वो जैसा है वो खुद की तरह ही रहना चाहता है. तो आपका ये लेसन कंप्लीट होता है. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.